हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांग शेट्टी क्लास। मैं हूँ सुनील कुमार और आज हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने आईटी टूल्स के 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए थे। एंड थर्ड चैप्टर में हमने देखा था वर्ड प्रोसेसर यूजिंग एमएस वर्ड। ठीक है, यानी कि एमएस वर्ड के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, जो भी उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा, आज हम इसमें चैप्टर 4 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है स्प्रेडशीट यूजिंग एमएस एक्सेल। दैट मीन्स कि एमएस एक्सेल से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये हमारे ओ लेवल एंड ए लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग ये मॉडल तैयार किया गया है और इसमें एग्जैक्टली सेम पैटर्न रखा गया है क्वेश्चन का और हम इसे सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो से करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को, क्वेश्चन सीरीज को। और इससे पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का देखते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द फॉर्मूला इन सेल A2 इज इक्वल टू। ठीक है, यानी कि A2 सेल में फॉर्मूला लगाया जा रहा है और वो कौन सा फॉर्मूला है, B2 + C3। ओके, तो यहाँ अभी हमें समझना है कि हमारा जो ये टास्क है ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेल है जिसका नाम A2 है, जिसमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया है एडिशन का B2 + C3। ठीक है, ऑन कॉपिंग दिस फॉर्मूला इन सेल C2। ठीक है, यानी कि इसी सेम फॉर्मूला को C2 में कॉपी कर दिया गया है। द फॉर्मूला विल बी, अब फॉर्मूला क्या वहाँ पे कॉपी होके जाएगा तो ये अब हमें बताना है। तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि हमारा जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो है A2 से। ओके, एंड हम जिस सेल में कॉपी कर रहे हैं उस सेल का नाम क्या है, C2 है। ओके, अब क्या है कि सेम ये फॉर्मूला कॉपी हो रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो रेफरेंस होता है सेल रेफरेंस, वो एग्जैक्ट सेम रेफरेंस जाता है। ठीक है, यानी कि A के बाद यहाँ पे है B एंड C। तो अगर यहाँ पे सी में फॉर्मूला लगाया गया है तो एक एक आगे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे सी रखे C2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 + E3। ठीक है, यही होगा, क्योंकि एक एक सेल जैसे यहाँ पे हमने रखा हुआ ठीक वैसे यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा D2 + E3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन मिल गया D2 + E3। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो चुका है। ओके, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, कंफ्यूजन इसमें हो सकता था, बट अगर हम एक्सप्लेन किए इसलिए आपको इसमें बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टू चेंज द सेल रेफरेंस B4 : B9। ठीक है, यहाँ पे B4 से B9 एक रेंज सेलेक्ट किया गया है, सेल का रेंज हो गया B4 से लेकर B9 तक। ठीक है, 5 सेल सेलेक्ट किए गए हैं और कॉलम। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो सेल है ये तो रेफरेंस सेल है, अब इसे हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा है, अगर आप नहीं पढ़ा है या फिर हमने वैसे वीडियो लेक्चर में अपने समझा रखा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एब्सोल्यूट अगर करना होता है तो उसके लिए हमें डॉलर साइन का यूज करना होता है। ठीक है, तो डॉलर साइन अगर हमें इस सेल रेंज को हमें बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ डॉलर साइन देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि रो के सामने डॉलर लगे या कॉलम के सामने, तो यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों में डॉलर साइन लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पे B4 : B9 है, ये जो सेल रेफरेंस है इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, तो ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सेल को अगर फिक्स करना होता है किसी फॉर्मूला में, उसको एब्सोल्यूट एड्रेस बनाना होता है तो डॉलर साइन का यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं।
इफ यू नीड टेक्स्ट टू शो वर्टिकल इन अ सेल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हमें जरूरत है अपने सेल में मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए, या फिर हमें वर्टिकली लाइन लिखना, वर्टिकली लिखना है, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें वर्टिकल लिखना है। जैसे कि हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो लेफ्ट टू राइट की तरफ एक रो में लिख देता है, बट हमें कॉलम के तरह लिखना है, वर्टिकली लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो निम्नलिखित में से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को देखते चलते हैं। चूज वर्टिकल ऑन टेक्स्ट अलाइनमेंट इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे हमारे पास तो अलाइनमेंट यहाँ पे बोल रहा है, ये ए नंबर जो ऑप्शन है इसमें अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो अलाइनमेंट तो चूंकि हमारे अलाइनमेंट में तो है ही नहीं वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, उसमें तो लेफ्ट सेंटर ये राइट है, सेंटर है एंड लेफ्ट है, फिर है बॉटम टॉप एंड मिडिल, ये सिक्स अलाइनमेंट है, बट वर्टिकल अलाइनमेंट कोई नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला रॉन्ग हो चुका है। सेकेंड यहाँ पे आ जाता है चूज 19 डिग्री इन ओरिएंटेशन ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट ओरिएंटेशन की बात करें और इस टेक्स्ट ओरिएंटेशन में हमें 19 डिग्री पे चूज करना पड़ेगा। तो हाँ, हमारे पास टेक्स्ट ओरिएंटेशन होता है एमएस एक्सेल में, तो हम वहाँ से 19 डिग्री वाले ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो वर्टिकली आ जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको और भी आगे देखना होगा, आगे हम देखते हैं कहीं देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को भी। चूज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द वर्टिकल ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, तो ऐसा कोई है नहीं हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसमें से हम वर्टिकल चूज कर सके, ठीक है। एंड थर्ड डी नंबर है चूज सेंटर अक्रॉस, तो हमारे पास मर्ज अक्रॉस है, सेंटर अक्रॉस करके कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ भी ये गलत हो जाता है, ठीक है, हमारे पास सेंटर अक्रॉस करके कोई सिलेक्शन कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसे हम सिलेक्ट कर पाए, ठीक है, हमारे पास एक मर्जिंग को अनमर्ज मर्जिंग करना होता है, तो वहाँ पे हमें मर्ज अक्रॉस करके मिलता है, सो ये भी डी नंबर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन होता है जिसमें से हम 90 डिग्री अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ से हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकली लिख सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज, वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो सीट के कलेक्शन को बुक कहते हैं, तो वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहेंगे, सिंपल, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, वर्कबुक, ठीक है, एक्सेल बुक हम नहीं कह सकते क्योंकि एक्सेल बुक का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेल का बुक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे वर्कबुक हम बोलेंगे, बाकी वर्कशीट नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द सेल एड्रेस $B$4, यहाँ पे एब्सोल्यूट एड्रेस है, इसे ध्यान रखिएगा, तो किसी सेल का एड्रेस है B4, ठीक है, इन फॉर्मूला इन एक्सेल मीन्स इट इज अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस, नहीं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यस, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया था यहाँ पे एब्सोल्यूट वाला, तो वही यहाँ पे भी पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन को इन्होंने अपोजिट कर दिया, ऑप्शन को इन्होंने क्वेश्चन में रख दिया और क्वेश्चन को ऑप्शन में दे दिया, तो ये जो B4 लिखा हुआ है डॉलर साइन लगाकर, क्या ये एब्सोल्यूट एड्रेस है, हाँ ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस से हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। एंड नेक्स्ट सिक्स नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, इसको अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो FB, NPV एंड PMT, ये जो थ्री ऑप्शंस हैं, ये तीन जो फंक्शन है ये फाइनेंशियल फंक्शन है, ये है फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे हो गया पर मंथ टर्म, उसी तरह से ये NPV एक फाइनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे PV होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, तो ये NPV है, तो ये भी हमारा फाइनेंशियल फंक्शन है, बट ये जो सम है, सम हमारा मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, या फिर हम अर्थमेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं, तो ये सम जो फंक्शन है ये फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, सो यहाँ पे इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्हेन अ फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन अ सेल, ठीक है, किसी सेल में अगर कोई नंबर फिट नहीं बैठता है तो क्या डिस्प्ले होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी डेट लिख रहे हैं या फिर कोई नंबर लिख रहे हैं और सेल का जो विड्थ है वो छोटा है तो वहाँ पे हैश सिंबल आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, सेवन का ए। एट नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख रहा है एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज, तो एक्सेल का एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ .tml, xxl एंड xlsx, none of the above, none of this, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, एंड
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं एमसीक्यू का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सम फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में सम फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, सम फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट को अगर देखें इक्वल टू सम ए वन कॉमा बी वन, ठीक है, यानी कि ए वन सेल एंड बी वन सेल को सिलेक्ट एडिशन किया जा रहा है, तो ये ट्रू मेथड है। बी नंबर को लिखा देखे तो बी नंबर में लिखा हुआ है इक्वल टू सम ए वन कॉलन बी नाइन, यानी कि ए वन से लेकर बी नाइन तक की जितने भी सेल रेंज है उसमें के जितने भी वैल्यूज होंगे वो सभी एडिशन होंगे, तो ये भी वैलिड है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सम ए वन इज टू यानी कि कॉलन ए वन कॉलन ए नाइन, यानी कि ये तो ए वन से ए नाइन तक का रेंज हो गया, फिर बी वन से बी नाइन का रेंज हो गया और बीच में सेपरेट किया हुआ है कॉमा से, तो ये भी एक ट्रू है, यानी कि दो हमने कॉलम को दो रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये भी ट्रू मेथड है। हम ऐसे भी एडिशन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों सही है, तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का 10 नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड करके आप क्या कर सकते हो, कॉपी सेल कंटेंट, मूव सेल कंटेंट्स, ऐड सेल कंटेंट्स, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे कि हम ड्रैग तो करते हैं, ड्रैग करके हम क्या कर सकते हैं, तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कंट्रोल बटन प्रेस करने होते हैं। कंट्रोल बटन के साथ अगर हम सेल को ड्रैग करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है, और विदाउट कंट्रोल बटन प्रेस किए अगर हम ड्रैग करते हैं तो मूव सेल हो जाता है, यानी कि सेल वहाँ से कट होके जहाँ भी हम ड्रॉप करेंगे छोड़ेंगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम ड्रैग करके हम दोनों काम कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो गया। लेकिन यही चीज़ है कि आपको कॉपी अगर करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस किए हुए उस कंटेंट को ड्रैग करना होगा, उस सेल को ड्रैग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्या हम ड्रैग करके क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो हाँ ड्रैग करके हम कॉपी भी कर सकते हैं और ड्रैग करके हम मूव भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करके हम एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किए, अब हम आगे को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इसमें हम ट्रू फॉल्स करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या ट्रू है या फॉल्स है इसे हमें बताना होगा, तो हम इसे करेंगे, देखते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कैन कन्वर्ट न्यूमेरिक डेटा इंटू चार्ट। यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या जो न्यूमेरिक डेटा हमारे पास होता है अगर उसको हम चार्ट में कन्वर्ट करें, या फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है न्यूमेरिक डेटा को ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जो होता है वो कन्वर्ट करके चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ, न्यूमेरिकल डेटा को अगर ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसे ही तो चार्ट कहते हैं, है ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इक्वल टू सम ए वन, यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे डॉट यूज किया गया है, यहाँ पे कॉलन नहीं है, सिंगल डॉट है, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इक्वल टू सम ए वन डॉट ए टेन इज वैलिड फॉर्मूला, नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू इंटर 127A इन अ सेल, ठीक है, बता रहा है कि सेल में आपने इंटर किया 127A, तो आगे पढ़ते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज अ नंबर, क्या ये नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इन द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एज द स्टार्टेड विद डिजिट। यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे जो 127A लिखा हुआ है क्या इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वो नंबर की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग डिजिट है वो क्या है, तो नंबर से है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि नंबर तो है बट इसके साथ एक कैरेक्टर भी तो ऐड हो रखा है ना, ए, अगर ए नहीं होता तो ये एक नंबर हो जाता, बट ए ऐड होने के कारण ये क्या हो चुका है, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, सो दिस इज नॉट अ नंबर। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे के नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फोर नंबर, इट इज पॉसिबल टू अंडो द डिलीशन ऑफ द अ सीट, यानी कि अगर हम कोई सीट डिलीट कर देते हैं तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं अंडू करके, यानी कंट्रोल जेड करके, तो नहीं, उसे हम वापस नहीं ला सकते, वो डिलीट हो गया, सो हो गया, अब हम उसे अंडू करके नहीं ला सकते। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है,
PMT is a function calculates your monthly mortgages payments. Yes, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो मंथली आपका जो पेमेंट बैंड किया गया है वो निर्धारित कर दिया गया है, तो क्या उसको ये कैलकुलेशन करने का काम करता है कितना आपका मंथली पेमेंट करना है? तो हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट, पीएमटी का फुल फॉर्म ही होता है पर मंथ टर्म, कि हर मंथ में हम कितना पेमेंट करें, तो ये हमें निकालना होता है। ठीक है, तो अब हम सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सेल रेफरेंस फॉर रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्टेड इन C1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि द सेल रेफरेंस फॉर रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्टेड इन C1, C1 से स्टार्ट हो रहा है एंड गोज ओवर अ कॉलम H। ठीक है, H कॉलम तक जा रहा है एंड डाउन टू रो 10। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि C1 से स्टार्ट हुआ और H कॉलम में जाना है एंड फिर 10 रो, यानी कि नीचे की तरफ हमें 10 रो को भी सिलेक्ट करना है। तो क्या उसके लिए हम उसका जो सिलेक्शन एरिया होगा, क्या उसका जो रेंज होगा, क्या ये होगा? नहीं, यहाँ पे ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का साइन आ चुका है। ठीक है, अगर ये माइनस का साइन नहीं रहता तो ये सही हो जाता, यानी कि हम ऐसा लिख सकते थे कि C1 कॉलन H 10, तो ऐसा अगर हम लिखते तो इसका कंडीशन जो होता ये ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे हाइफन साइन दिया हुआ है तो जिसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है, तो रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन एक्सेल प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस बार सेलेक्ट द इंटायर रो। यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, तो मैं एक बार यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, ये हमारा एक्सेल का सीट है। ठीक है, क्या होगा कि कंट्रोल स्पेस बार, अभी मान लेते हैं कि हमारा जो एक्टिव जो हमारा सेल है, यानी कि जो सेल सिलेक्टेड है वो बीच वाला है। अगर हमने कंट्रोल स्पेस बार किया तो वो क्या करेगा कि ये जो पूरा कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेगा, एक कॉलम को ये सिलेक्ट कर लेगा कंट्रोल स्पेस बार से। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करते तो वो क्या होता है कि पूरे रो को सिलेक्ट करता। ठीक है, ये जो हमारा रो है इसे सिलेक्ट करता शिफ्ट स्पेस बार से। अगर हमने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया है तो ये क्या करेगा, तो कॉलम को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन एक्सेल प्रेसिंग कंट्रोल स्पेस बार सिलेक्ट द इंटायर रो, तो नहीं, ये एक कॉलम को सिलेक्ट करता है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये C4 कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो कॉलम को सिलेक्ट करेगा एंड शिफ्ट स्पेस बार करेंगे तो रो को सिलेक्ट करेगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दिया। आगे को हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। ऑन एन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इन इंडिकेट बाय डार्क विथ बॉर्डर। तो हाँ, यहाँ पे ये बता रहा है कि जब भी हम कोई सेल को सिलेक्ट करते हैं तो क्या उसका बॉर्डर डार्क हो जाता है, ब्लैक कलर का? हाँ, ये डार्क बॉर्डर हो जाता है। जो भी डार्क बॉर्डर होता है वही तो हमारा एक्टिव सेल होता है, जो भी हमारा करंट सेल सिलेक्टेड है वो होता है ना, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो गया, 7 नंबर फॉल्स था। ओके, एंड 9 नंबर सेकंड लास्ट हम देखते हैं ट्रू फॉल्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू ऐड अ न्यू एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, अब हमें एक न्यू वर्कशीट ऐड करना है। यू शुड इंसर्ट वर्कशीट टैब एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो हाँ, जो बॉटम में इंसर्ट, जहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 बाय डिफॉल्ट आता है, वहीं पे एक टैब होता है न्यू सीट इंसर्ट करने के लिए। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि बॉटम में जो टैब है वहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, न्यू ऐड कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का देखते हैं। क्लिकिंग 3 times, ठीक है, 3 times क्लिक करते हैं, क्लिकिंग 3 times विद द राइट माउस बटन इन द स्प्रेड शीट टू सिलेक्ट ऑल द सेल इन डॉक्यूमेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम सेल पे या फिर स्प्रेड शीट पे हम 3 बार राइट क्लिक करें तो पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट क्लिक करने के बाद तो उसका मेन्यू खुल जाता है ना, कुछ उसके बारे में ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन बार ओपन हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया कि 3 बार अगर हम राइट क्लिक करें तो पूरे के पूरे इंटायर सेल जो है वो सिलेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स को सॉल्व कर लिया है। आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें दो कॉलम को मैचिंग करना होगा, तो यहाँ पे हम कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉलम वन को। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू स्टार्ट एक्सेल। बहुत अच्छा, जब हम एक एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो यू कैन ओपन फाइल दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। ईच न्यू वर्कबुक कम्स विद, यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आप कोई एक्सेल बुक ऑन करते हो तो जो उसका जो फर्स्ट वर्कबुक आता है वहाँ पे क्या, उसके साथ क्या आता है, ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट आते हैं, वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे डी नंबर पे लिखा हुआ 2 और 3 वर्कशीट। ठीक है, अगर हम एक्सेल 2007 की बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट 3 आते हैं। ठीक है, वैसे आजकल के जो बाय डिफॉल्ट आते हैं उसमें 1 आते हैं या 2 आते हैं, वैसे हम इसको सेटिंग से सेट भी कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितना वर्कशीट हमारे वर्कबुक में अपीयर हो बाय डिफॉल्ट। खैर, तो बाय डिफॉल्ट तो हम 3 जानते ही हैं, तो बट यहाँ पे लिखा हुआ 2 या 3 वर्कशीट आते हैं। तो हाँ, जब भी हम न्यू एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ 2 या 3 वर्कशीट आते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रीज पेन, फ्रीज पेन एक्सेल में है, अच्छी बात है, वहाँ पे हम रो एंड कॉलम को फ्रीज करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है। फ्रीज पेन इज ऑप्शन अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब, यानी कि ये किस टैब में अवेलेबल है। तो ये जो अवेलेबल है व्यू टैब में, हाँ व्यू टैब में अवेलेबल है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्यू टैब। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते चले ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 3 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम बाय। ऑटो फिट अगर हमें करना है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि हम कॉलम के बॉर्डर पे क्लिक कर ले, हेडर बॉर्डर पे, और दूसरा होता है कि फॉर्मेट टैब में जाए, फॉर्मेट ऑप्शन में, है ना, होम टैब के अंदर फॉर्मेट एक ऑप्शन है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा डबल क्लिक ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर, तो हम यहाँ से भी फिट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 का वो हो जाएगा बी। और एक और ऑप्शन होता है एक्सेल में होम टैब के अंदर ही, फॉर्मेट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से भी आप हाइट एंड विड्थ को या ऑटो फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम के हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर, फंक्शन यू यूज टू इंटर करंट टाइम। ठीक है, करंट टाइम अगर हमें इंटर करना है अपने सेल में, वर्कशीट के सेल में, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे जे नंबर पे भी लिखा हुआ है इक्वल टू करंट टाइम फंक्शन। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है और एक यहाँ पे नाउ फंक्शन है। तो करंट टाइम करके कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो है नाउ। नाउ जैसे ही करते हैं तो डेट एंड टाइम ये दोनों हमारे एक्सेल शीट पे अपीयर कर देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप इसको रीओपन करेंगे या फिर अपने एक्सेल पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक डेट या टाइम को अपडेट करते रहता है। नाउ फंक्शन का ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि वो अपने आप को अपडेट करते रहता है। ऐसा नहीं कि जिस टाइम पे हमने इंसर्ट किया उस टाइम का करंट टाइम तो आ गया, लेकिन बाद में अगर हम फिर कल होके ओपन करें या फिर रिफ्रेश करें तो वो अपने आप को अपडेट ना करे, ऐसा नहीं करता। ये अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है, बस जरूरत है उसको रिफ्रेश करने का या फिर रीओपन करने का। ओके, एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5th नंबर, द ऑटोफिल, ऑटोफिल फीचर पेंटर। ठीक है, ऑटोफिल फीचर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑटोफिल के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉपी पेस्ट है, एक्सटेंड सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ डेटा, हाँ ये ठीक है। यहाँ से ये मैच कर रहा है कि ऑटोफिल जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि एक सीरीज होता है, और सीरीज कहाँ होता है तो हम सीरीज बताना भी सिखाए हैं एक्सेल वाले लेक्चर वीडियो में। अगर आप वो हमारे लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या होता है, ऑफिस बटन में जाने के बाद हमें एक लिस्ट ऐड करने होते हैं, और जो हम ऐड कर देंगे वो ऑटोफिल में आ जाते हैं। ठीक है, और ऑटोफिल में एक और ऑप्शन होते हैं सीरीज होता है, जिसमें हम लिनियर भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, डेट एंड टाइम भी करते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं सीरीज में। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ डेटा। एंड 6th नंबर है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन है, तो क्लिप
बोर्ड ग्रुप जो होता है वो हमारे होम टैब के फर्स्ट ग्रुप होता है, टूल बार होता है, जिसमें कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। आगे के क्वेश्चन को देखें, वर्कशीट। तो वर्कशीट क्या है? तो वर्कशीट तो देखते हैं क्या इसमें दे रखा है। तो स्टोर्ड इन वर्कबुक, हाँ ये हो सकता है कि वर्कशीट जो है वो वर्कबुक में स्टोर्ड होता है, क्योंकि वर्कबुक क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो वही चीज है, घुमा के बाद पूछ दिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्कशीट क्या है? तो स्टोर इन वर्कबुक, वर्कबुक में ये स्टोर होता है, ठीक है। वर्कशीट यानी कि अब कॉपी की बात करें तो कॉपी क्या है, तो पेज, पेज जितने भी पेज है पेज के कलेक्शन को ही तो कॉपी कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पूछ रहा है कि पेज जो है हमारे नोटबुक का पेज, पेज बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर स्टोर्ड है, वही बात यहाँ पे लिख रहा है। आगे हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अ चार्ट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इन सेल, ठीक है। यहाँ पे चार्ट क्रिएट करने की बात कर रहा है, तो चार्ट क्रिएट कहाँ होता है? तो स्प्रेडशीट में क्रिएट होता है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए होंगे रो एंड कॉलम में, उसी के बेस पे क्या होगा, तो एक चार्ट क्रिएट होगा। अगर आप एमएस वर्ड में भी चार्ट बनाने की कोशिश करें तो वो डायरेक्ट आपको स्प्रेडशीट पे रेफर कर देगा। तो जब भी हमें चार्ट बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो हम स्प्रेडशीट पे ही बनाते हैं, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इक्वल टू मैक्स A1:A9, यानी कि A1 से A9 का जो सेल रेंज है, रेफरेंस है, इसके बीच में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, हाईएस्ट वैल्यू, वो हमें रिटर्न करेगा। तो वो यहाँ ही, यहाँ पे H नंबर पे लिखा हुआ है, रिटर्न हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम A1 to A9, यानी कि A1 सेल से लेकर A9 सेल के बीच में जो वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको ये रिटर्न करेगा, मैक्स फॉर्मूला, ओके। एंड यहाँ पे अब हम लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला इफ द डेटा इज चेंज्ड, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि अगर डेटा चेंज्ड होता है तो ऑटोमेटिक वो रिकैलकुलेशन कर लेता है। तो ये कैसे होता है? तो व्हाट इफ एनालिसिस, यानी कि वो एनालाइज करेगा और देखेगा कि क्या चेंजेज हुआ है, अगर कोई चेंजेज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको अपडेट करेगा, रिकैलकुलेट कर देगा। तो ये इसका राइट आंसर K हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने मैचिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अगर इतना आप करके जाते हैं ये सारे क्वेश्चन को, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छे नंबर से आप पास होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम में मात्र 20 नंबर के ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम 100 नंबर की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 20 नंबर तो मजे से बन ही जाएंगे, सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए। और यहाँ पे हमने 4th नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इसको भी हम समझते हैं। और इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, ओके। तो यहाँ पे अब हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, If you enter 32+28 in Excel cell, यानी कि अपने Excel cell में अगर हम 32+28 लिखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 60, तो 60 अगर हम इसको ऐड करें तो 60, बट यहाँ पे आपको 60 नहीं करना, जल्दीबाजी में फिल नहीं करना चाहिए। और भी आप ऑप्शन देख लो कहीं उससे रिलेटेड और कहीं हो, तो यहाँ पे 32+28 भी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो यही आएगा, 32+28। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला की पहचान होती है कि उसके स्टार्टिंग में इक्वल टू साइन होना चाहिए, जो कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, 32+28 एक टेक्स्ट है और ये एज इट इज ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर I नंबर हो जाएगा, ओके। आगे हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड यहाँ पे लिख रहा है, इन MS Excel में अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेवल वैल्यू इफ प्रेसिडेंस विथ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, अगर हमें उसे लेवल की तरह ट्रीट करना है तो क्या करना पड़ेगा,
तो उसके लिए अपरस्ट्रॉफी लगाना होता है, वो एक लेबल को बताता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा जी, ठीक है। इसे नोट डाउन आप करते रहिएगा। एंड थ्री नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थ्री नंबर यहाँ पे लिख रहा है, शॉर्टकट की डैश इज यूज टू एडिट कंटेंट ऑफ अ सेल इन एमएस एक्सेल, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट की पूछ रहा है कंटेंट को एडिट करने के लिए, तो यानी कि रीनेम करने की बात कर रहा है। तो रीनेम करने का शॉर्टकट की होता है F2, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा कि किसी सेल को अगर हमें कंटेंट को चेंज करना है तो F2 कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आपको रीनेम करना होता है तो आप F2 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो ये एक शॉर्टकट की है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो थ्री नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जी और जे, ओके, जे आंसर हो जाएगा। फिर फोर नंबर क्वेश्चन, फोर नंबर देखते हैं। डैश इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टू टोटल रो एंड कॉलम, रो और कॉलम। यहाँ पे ये बता रहा है कि डैश का यूज करके हम टोटल कर सकते हैं रो एंड कॉलम को, यानी कि यहाँ पे एडिशन करने की बात कर रहा है कि अगर हमारे पास रो में या कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यू रखा हुआ है तो हम किस ऑप्शन का मदद करके हम एडिशन कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। तो टोटल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे ऑटो सम कर सकते हैं। तो ऑटो सम यानी कि F हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, ओके। एंड फाइव नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइव नंबर है, If you want to have a blank line after the title in worksheet, ठीक है, यानी worksheet के बाद हमें एक blank line की जरूरत है, यानी कि एक row की जरूरत है, ठीक है। Dash is the best thing for you to do, ठीक है जी। देखते हैं कि हमें एक row चाहिए तो क्या कर सकते हैं, तो insert row कर देंगे, बहुत अच्छा। एक हमें रो ही तो ब्लैंक रो चाहिए, तो ब्लैंक रो लेने के लिए हम इंसर्ट रो करते हैं। कॉलम चाहिए होता है तो इंसर्ट कॉलम करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं रो की बात कर रहा, ब्लैंक लाइन, लाइन का मतलब तो वही हुआ हमारा रो, है ना। तो एक रो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट रो ऑप्शन का यूज करेंगे, जो कि के नंबर इसका राइट आंसर हो गया। सिक्स नंबर को अगर हम देखें तो सिक्स नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, डैश शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू सीट, न्यू सीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है जी। तो इसका जो शॉर्टकट की है, यहाँ पे एक ही शॉर्टकट की पूरे फील्ड में दिखाई दे रहा है, सिर्फ प्लस F11, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा H। यही तो एक बहुत अच्छी खासियत होता है इस फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन दे देते हैं कि इसी में से आपको फिल करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दे, थोड़ी सी ये ट्रिकी भी क्वेश्चन हो सकता है, तो बट कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दो तीन शॉर्टकट की भी इसमें शामिल हो जाए, तो शॉर्टकट की आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस F11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्टकट की हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन को देखें, फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस करना है। डैश साइन इज यूज बिफोर द पार्ट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि अगर हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है तो हम किस साइन का यूज करेंगे। तो साइन अगर हम देखें तो देखिए, जैसे यहाँ पे साइन में एक एंड साइन दे रखा है एंड एक डॉलर साइन दे रखा है, तो हम जानते हैं कि अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव MCQ में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है कुछ, जिसमें से हमने डॉलर साइन को देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि डॉलर, ओके। एंड एट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉक्स ऑन द चार्ट दैट कंटेन द नेम ऑफ इच इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज कॉल्ड द, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है द बॉक्स ऑन द चार्ट, ठीक है, चार्ट के अंदर जो बॉक्स होता है जो नेम को कंटेन करता है उस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में क्या होता है कि जो भी हम, जैसे पाई चार्ट एक होता है, ठीक है, पाई चार्ट सर्कल की तरह डिसाइड किया जाता है, तो इसमें ये जो बॉक्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे, तो ये जो कंटेन नेम को कंटेन करके रखता है कि ये इतना परसेंट, ये उतना परसेंट, तो ये जो बात की जा रही है ये पाई चार्ट की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। वैसे कोई भी चार्ट है तो उसमें तो कंटेंट करेगा ही, बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें एक ही चार्ट दे रखा है पाई चार्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अब हम देखते हैं नाइन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अ डैश इज ग्रिड विथ लेवल
कॉलम एंड रो, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पास ग्रिड है जो कि लेवल्ड बताता है रो एंड कॉलम का, तो वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्कशीट, कि वर्कशीट भी तो है जो कि ग्रिड में बटा होता है। ग्रिड का मतलब क्या होता है? रो एंड कॉलम में लाइनिंग लाइनिंग किया हुआ है, तो उसे हम वर्कशीट कहते हैं, कि वो वर्कशीट है जो कि लेवल ग्रिड लेवल को बताता है, यानी कि रो एंड कॉलम में सेपरेट करता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्कशीट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का। यहाँ पे लिखा हुआ डैश आर द टैब्स दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कबुक, ठीक है। हर वर्कबुक में के बीच ईच यानी कि जितने भी हम वर्कबुक इंसर्ट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो उसके बॉटम में कौन सा टैब होता है? तो बॉटम की अगर टैब की बात करें तो उसमें तो सीट टैब ही होता है, बाकी जितने भी टैब होते हैं सभी तो रिबन पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीट टैब, क्योंकि वहीं पे सीट वन, सीट टू या फिर न्यू सीट हमें इंसर्ट करना है, तो उस जो टैब को हम बोलते हैं सीट टैब। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी, एंड एक नाइन का जो राइट आंसर था वो था एल। ओके, तो यहाँ पे हमने इस फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमने सबको नंबरिंग भी कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैचिंग क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स 40 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आपके सामने लेकर आ गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान से देख ले, नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना है। आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।